हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो कोलकाता में रेप हुआ है उस लड़की के साथ जो डॉक्टर थी, तो मेरा मानना है कि उस लड़के को संजय नाम के जो लड़का है वो आरोपी माना गया है, या वो आरोपी था या कुछ भी था। CIB जाँच हो चुकी है। तो उस लड़की के साथ कितनी बुरी तरीके से बेरहमी से जो रेप किया गया है, तो प्लीज़ मेरा मानना यही है कि मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि उस लड़के को फांसी की सज़ा दी जाए, जिससे कि उसके साथ ऐसा हुआ। जो भी इंसान ऐसा करता है ना, सबके साथ फांसी की सज़ा दी जाए, तो खास करके लड़कियों के बारे में ऐसा बंदा सोचेगा ही नहीं और ना ही वो करेगा। क्योंकि अगर उसके अंदर ऐसी दर्दगी पैदा होगी ना, तो वो इस चीज़ को सोचेगा कहीं हम पकड़े गए तो हमारी फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो मेरा मानना यही है कि उस लड़के को फांसी की सज़ा दी जाए। और सुनने में आ रहा है कि उस लड़के की 3 शादियां हुई थी और तीनों ही शादियां उसकी डिवोर्स हो गया है या कुछ भी था, उसकी वाइफ उसको छोड़ के जा चुकी हैं। क्योंकि वो बंदा इतना दरिंदगी से जीता होगा तो अपनी वाइफ को तो हमें 100% ही दुखी रखता होगा, तो इसलिए उसकी तीनों वाइफ नहीं रही। और उसने देखो उस लड़की के साथ कितना मारा पीटा, उसको उसके गले की हड्डी को भी तोड़ दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीज़ें आई। तो ऐसे दरिंद इंसानों से भगवान सबको दूर रखे। और ऐसी पता नहीं क्यों इंसान के अंदर ऐसी दरिंदगी पैदा हो जाती है, मैं तो समझ में नहीं आता। अगर अपनी बहन को बहन समझते हो तो ऐसे सामने वाले की लड़कियों को नज़रिए से देखोगे तो शायद ऐसा ना हो। और समाज में इतना बदलाव आ गया, फिर भी कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ ऐसा होता है। क्यों होता है मैं खुद नहीं जान पा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी मोदी और योगी से यही विनती है कि उस लड़के को फांसी की सज़ा दी जाए। बस मेरा मानना यही है कि उस लड़की को जब ही इंसाफ मिलेगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।